सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने ही चैनल एवरीथिंग नॉलेजेबल में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको, टर्मिनोइड हमने कंप्लीट किया था, टर्मिनोइड रेजिन्स एंड ग्लाइकोसाइड। उसके बाद अगर आप फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे उसमें जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है सीरियल वाइज में हम लोग का है लैक्सेटिव और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो उससे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखिए एवरीथिंग नॉलेजेबल के द्वारा लैक्सेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आइए शुरू करते हैं। लैक्सेटिव लैक्सेटिव क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। लैक्सेटिव ये होता है ए मेडिसिन, एक तरीके का मेडिसिन होता है, वो फूड या ड्रिंक होता है जिसे समबडी कैन टेक टू रिड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बॉडी इजीली, टू गेट रिड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। यानी कि लैक्सेटिव हम लोग को आप कह सकते हैं बाउल मूवमेंट को सॉफ्ट करने के लिए हमारे जो पेट में होते हैं वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसे इजीली निकालने के लिए। इसका एग्जांपल अगर हम टैबलेट के फॉर्म में देखें तो इसका एग्जांपल है साइलम, जो कि पी में साइलेंट है, PSYLLIUM लेक्सेटिव। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन है बेहद सिंपल सा, लेक्सेटिव यानी कि लैटिन, इसका लैटिन वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड इसका है लेक्सेर, इसका मतलब है टू लूज इन, यानी कि स्मूथ करना, लूज करना किसी भी चीज़ को। सोचिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, लेक्सेटिव आर द सब्सटेंस दैट लूज टूल्स एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। सिंपल से यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेक्सेटिव एक सब्सटेंस है जो लूज टूल्स को, हम लोग का एक्सक्रीशन जो होता है एक्सक्रीटा, तो इस टूल्स को लूज करता है एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है। दिस सब्सटेंस आर यूज टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का ये ट्रीटमेंट हमें प्रिवेंट करता है। द सब्सटेंस विच लूजेज दस वावल और प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग एंड हेस्टेनिंग इंटेस्टिनल इवेक्यूशन और विच प्रोमोट डिफिकेशन और नॉन एज लैक्सेटिव। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए डिफिकेशन, डिफिकेशन क्या होता है, डिफिकेशन होता है द डिस्चार्ज ऑफ फेसिस फ्रॉम बॉडी, मीन्स वही स्टूल्स का यहाँ पे डिस्चार्ज होना को कहते हैं हम डिफिकेशन। यहाँ पे डिफिकेशन हो गया, यहाँ पे देखिए उसको हम लोग लेक्सेटिव, यहाँ पे तीन मीनिंग है, यहाँ पे आप दो तीन मीनिंग और आप लर्न करके आराम से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आता है यहाँ पे एलोवेरा। एलोवेरा बहुत अच्छा लेक्सेटिव है, लेक्सेटिव यानी कि देखिए इस तरह का एलोवेरा आपने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो एलोवेरा कुछ इस तरीके का दिखता है। एलोए, एलोए इसका सिनोनिम है घृत कुमारी। इसका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका जो लेक्सेटिव जहाँ से शुरू है इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, यहाँ से लेके लास्ट तक आपका सिर्फ यही सब है, ड्रग्स के यहाँ पे सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल, सो ये सब आपको लर्न करने में मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ होती है। मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें सीरियल वाइज में सारे के सारे हैं, वो आपको मैं बाद में कुछ महीनों में दे दूंगा, मतलब महीनों मतलब कुछ दिन में, अगर आप मेरे वीडियो पर रेस्पॉन्सिव है तो मैं ज़रूर दे दूंगा। यहाँ पे आप देखिए एलोए सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम है घृत कुमारी, एलोवेरा का सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, इसका बायोलॉजिकल का सोर्स कहाँ से कंसिस्ट होता है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑफ एलोए बारबेडेनसिस मिलर, ये इस पेड़ से, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स जिसे हम लोग एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसे एलो बारबेडेनिस मिलर कहते हैं। इसका फैमिली है लिलिएसी, फैमिली है इसका लिलिएसी। मॉर्फोलॉजी का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखिए क्या होता है, कलर में आता है ग्रीनिश ब्राउन, देखा है आपने ग्रीनिश ब्राउन होता है, जब नया नया रहता है ग्रीनिश होता है, उसके बाद में ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ऑर्डर है इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है इसका, टेस्ट है इंटेंसली बीटर, जानते हैं इंटेंसली बीटर है इसका टेस्ट है। नॉसिटिंग, नॉसिटिंग क्या होता है, समबडी टू फील सिक, नॉसिटिंग यानी कि बहुत डिस्गस्टिंग या डिस्गस्टिंग सा टेस्ट है इसका, लगेगा इसका फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब इसका जैसा कि मैं कह सकता हूँ इसका सब्सटेंस कैसा है, ग्लॉसी है, ग्लॉसी यानी कि स्मूथ एंड शाइनी इसका फ्रैक्चर होता है एलोवेरा का। नेक्स्ट देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट उपलब्ध है। सो पहला है एलोइन बारबेलोइन आइसो बारबेलोइन एलो इमोडिन बीटा बारबेलोइन रेजिन कंटेनिंग एलोइसिन, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है, इसमें सारे के सारे आपको दो चार याद करने से हो जाएगा। इसका यूजेस देखिए, यूजेस इसका इन प्यूरिगेटिव, प्यूरिगेटिव में यूज़ होता है ये, इन कॉस्मेटिक एस प्रोटेक्टिव में यूज़ होता है, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ हेयर होता है, बहुत परफेक्ट एग्जांपल, अगर आपकी ग्रोथ हेयर की नहीं हो रही है या फिर बहुत थिन है, थिक करना है, तो आपको एलोवेरा का जेल आप यूज़ करें, बहुत आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा फॉर पेनफुल इन्फ्लेमेशन, बहुत पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है आपको, तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कट्स वट्स लग जाए। केमिकल टेस्ट, यहाँ पे देखिए केमिकल टेस्ट कैसे हम इस पता मतलब पता लगेगा कि ये एलोवेरा है, बॉयल 1 ग्राम ऑफ एलो विथ 10 ml ऑफ वाटर, फिल्टर इट एंड यूज द फिल्टर फॉर द फर्दर टेस्ट एज फॉलोज। इसमें आप देख सकते हैं कुछ केमिकल टेस्ट है, यहाँ पे एड ब्रोमिन सॉल्यूशन टू द एबो फिल्टर पील येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, देखा आपने ऐसे करके आप। नेक्स्ट है आपका कैस्टर ऑयल, कैस्टर देखिए कैस्टर ऑयल, देखिए कैस्टर ऑयल यहाँ पे है,
जानती होंगी आप कैस्टर ऑयल, ये भी आपका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है आपका फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल सिनोनिम से इसका रिसिनस ऑयल। रिसिनस ऑयल, रिसिनस ऑयल क्या है? रिसिनस का मीनिंग देखिए यहाँ पे, इट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल, बायोलॉजिकल से इट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ रिसिनस कॉमिनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिनस कॉमिनस, रिसिनस का मीनिंग क्या है देखिए आप, रिसिनस कौन सा पेड़ है, ये कैसा पेड़ है, ए फ्रूट, इट इज़ ए फ्रूट ऑफ कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्ड कैप्सूल। इस फ्रूट में तीन लोब होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्पाइनी एक्सटीरियर, इसका जिसका एक्सटीरियर पोर्शन होता है बहुत स्पाइनी यानी कि स्पाइंस होते हैं, और ये 3 फीट्स पर कैप्सूल होता है, 1 फीट में इसका 3 कैप्सूल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका फैमिली है यूफोवेरेसी, यूफोवेरेसी इसका फैमिली है। मॉर्फोलॉजी यहाँ पे देखिए, इसका मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर हो गया, कलर में इसमें है पेल येलो और ऑलमोस्ट कलरलेस, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर पेल येलो होता है या फिर ऑलमोस्ट कलरलेस। ऑर्डर है इसका नॉसिटिंग, नॉसिटिंग जैसा कि मैंने कहा आपको बहुत डिस्गस्टिंग सा इसका ऑर्डर होता है, यानी कि समथिंग लाइक बिटर इन टेस्ट। टेस्ट हो गया इसका स्लाइटली एक्रिड, स्लाइटली एक्रिड हो गया इसका मतलब डीपली और वायलेंटली बिटर, इसका मतलब बहुत वायलेंटली बिटर, एकदम तीखापन बिटर होता है इसका टेस्ट, नॉसिटिंग जैसा कि मैंने कहा आपको। नेक्स्ट देखिए, इसका केमिकल कॉन्सेंट्रेट में है लिसिनोलिक, लिसिनोलिक एसिड, लिसिन आइसोलिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, आइसोटेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, सबके सब कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पे, सब आप एक दूसरे के साथ लिंक करके आप लर्न कर सकते हैं। यूजेस है इसका कैथेरिक, कैथेरिक एक टाइप का प्योरीगेटिव ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्योरीगेटिव ड्रग है। इसका नेक्स्ट है लुब्रिकेंट, ऐसे लुब्रिकेंट हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जानती हैं लुब्रिकेंट, प्रिपरेशन इन पेंट्स, प्रिपरेशन जैसे कि पेंट्स हो गया आपके घर में जो पेंट होते हैं उसमें कैस्टर ऑयल अप्लाई करके बहुत अच्छा स्मूथ सर्फेस आपको मिलता है। नंबर 4 पॉइंट है एनिमल्स वर्निशेस ग्रीस पॉलिशेस एंड प्रिंटिंग इंक्स। एनिमल्स, एनिमल्स क्या होता है देखिए, एनिमल्स होता है ग्लॉसी सर्फेस एंड कवर्स द क्राउन ऑफ टीथ। एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं अपने टीथ को, जब हम टीथ की जब क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे एनिमल्स का यूज़ होता है। वार्निशेस ग्रीस होता है, ग्रीस तो जानते हैं, पॉलिशेस है प्रिंटिंग इंक्स में। यहाँ पे भी कुछ केमिकल टेस्ट है, आप केमिकल टेस्ट देख सकते हैं, केमिकल टेस्ट इस तरह से, यहाँ पे हम केमिकल चीज़ को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसबगुला, इसबगुला इसका कॉमन सा नेम है, जानते हैं आप इसबगुल, आप जो कोई आकर व्यक्ति यहाँ पे फास्टिंग करते हैं तो उसे इसबगुल दिया जाता है। इसबगुल आप जानते हैं सीड्स होता है इसबगुला का, इसबगुल का सीड्स होता है, उसे पानी में रखते हैं तो वो कैसे फूल जाता है, वही है इसबगुल। नेक्स्ट देखिए इसबगुल, इसबगुल का सिनोनिम्स हो गया इंडियन साइलियम, इंडियन साइलियम फ्लीसीड, फ्लीसीड इसका सिनोनिम्स है, ये इंडियन साइलियम है। बायोलॉजिकल सोर्स देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटर को ऑवेटा, यहाँ पे देखिए ये है इसका ब्राउन कलर का, ये सब सीड्स है उसका, वो एक्सट्रैक्ट करके वो वाइट निकलता है जो हम खाते हैं। प्लांटागो ऑवेटा फैमिली है इसका प्लांटिजिनेसी, प्लांटिजिनेसी इसका फैमिली है। मॉर्फोलॉजी देखिए, इसका कलर होता है पिंकिश ग्रे और ब्राउन, इसका जो सीड्स का कलर यहाँ पे हम दिया गया है पिंकिश ग्रे होता है या फिर ब्राउन। ऑर्डर इसका कुछ नहीं है, नन। टेस्ट होता है मिसलेजिनिस और ब्लैंड, मिसलेजिनिस का मीनिंग, इसका मीनिंग होता है हैविंग ए विस्कस कंसिस्टेंसी, यानी कि बहुत गाढ़ापन, जानते हैं आप इसका गुड़, अगर आप पूरी रात अगर सोक करके रखते हैं तो उसका जो टेक्सचर है बहुत गाढ़ा होता है, उसको हम कहते हैं मिसेलेजिनस। ब्लैंड यानी कि माइल्ड टेस्टिंग, इसका टेस्ट एकदम माइल्ड होता है। शेप है इसका, इट इज ओवेट साइम्बी फॉर्म, ओवेट साइम्बी फॉर्म में पे देखिए क्या होता है, शेप लाइक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एग, आपने एक अंडा देखा है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसी तरीके का इसका शेप होता है। साइज देख सकते हैं 10 to 35 mm लॉन्ग एंड 1.1 to 1.75 mm थिक होता है साइज। नेक्स्ट देखिए केमिकल कॉन्सिटेंट, केमिकल कॉन्सिटेंट में आपका इसबगुल सीड्स एंड हर्स कंटेनिंग मुसिलेज केमिकली इट कंटेन। देखिए इसका हर्स एंड सीड, इसका सीड एंड हर्स कंटेन मुसिलेज केमिकली इट कंटेन, केमिकली ये क्या कंटेन करता है देखिए, पेंटोसन एल्डोपीएम बायोनिक एसिड फाइबर प्रोटीन फिक्स ऑयल। इसका यूजेस देखिए, यूजेस है इसका डिमल्सन एंड लैक्सेटिव, लैक्सेटिव जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे डिमल्सन, डिमल्सन क्या होता है देखिए, डिमल्सन ये होता है रिलीविंग इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन इन स्टमक, हम लोग जब हमारे जो स्टमक में अगर किसी टाइप का इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऐसे। नंबर 2 इमोलियन, इमोलियन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग द स्किन, इससे हम स्किन की हमारी सॉफ्टनिंग होती है इमोलियन, इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एमोबिक बैसिलरी डिसेंट्री एज स्टेबलाइजर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैसिलरी डिसेंट्री, बैसिलरी डिसेंट्री क्या होता है, ये बैसिलरी डिसेंट्री एक ऐसा टाइप का डिसेंट्री है जहाँ पे वो एक ऐसा बैक्टीरिया से वो होता है, बैक्टीरिया से वो
डिस्ट्रक्ट हो जाता है कि वो बैसिलरी डिसेंट्री, इसका जो कॉज बाय इसका बैक्टीरिया का नाम है सिगेलियोसिस, सिगेलोसिस। इसका स्पेलिंग मैं स्पेल कर देता हूँ, SHIGELLOSIS। इस बैक्टीरिया से इसे कॉज होता है। ऐसे स्टेबलाइजर एंड केमिकल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रोजेनियम रेड सॉल्यूशन ऑफ टू सब गोल पाउडर पिंक कलर इज प्रोड्यूस्ड। रूबर्ब, रूबर्ब में आप देखिए, रूबर्ब ऐसा दिखना है, ये एक स्टेम है, आप देख सकते हैं इस तरीके का स्टेम है। सो यहाँ पे देखिए रूबर्ब, रूबर्ब क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइजोम, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइजोम्स ऑफ रेओम, पैलमेटम एंड अदर स्पीसीज ऑफ रेओम। इससे कहते हैं हम रेओम, रूबर्ब का जो स्टेम है। नेक्स्ट देखिए फैमिली है पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी इसका फैमिली है। मॉर्फोलॉजी इसका कलर में आ जाते हैं ब्राउन टू येलो, इसका कलर है ब्राउन टू येलो। ऑर्डर है फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट यानी कि स्वीट स्मेल इसका है। ऑर्डर टेस्ट में आते हैं बीटर एंड एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट में स्लाइटली एसिडिक और बीटर इन टेस्ट और स्मेल, दोनों में एस्ट्रिंजेंट यूज होता है। टेस्ट इसका आता है, शेप है सब सिलिंड्रिकल बैरल शेप एंड कॉनिकल, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ अलग ही तरीके का है। एंड साइज में आता है, पीसेस ऑफ रूबर्ब आर 2 to 20 cm लॉन्ग एंड 1 to 1.5 to 2 cm थिक, जैसा कि इसका साइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में है इसमें रेइन है, इमोडिन है, क्साइरोसोफेनॉल है, ग्लूकोजीन है, पेल्बिडिन है, ए बी सी। पेल्बिडिन का तीन प्रकार आते हैं, तो ए बी सी तीनों यहाँ पे कंसिस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माइल्ड प्योरीगेटिव, माइल्ड प्योरीगेटिव में यूजेस होता है, माइल्ड प्योरीगेटिव एस्ट्रिंजेंट है, स्टोमेटिक है। स्टोमेटिक मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, प्रोमेटिंग डैमेटाइड, अगर ये आपका इसका कंज्यूम करते हैं तो आपको यहाँ पे भूख लगने की प्रक्रिया आपकी तेज़ हो जाती है, आपको यहाँ पे भूख लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर कभी कभी दवा देते हैं भूख लगने की, तो इसमें ये यूज़ होता है। केमिकल टेस्ट आप देख सकते हैं, ये है इसका केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेना, सेना देखिए, सेना लीफ, सेना एक प्रकार का लीफ है, लीफ ऑफ किस चीज़ का देखिए आगे, इसे कहते हैं हम सेना नेम है इसका इंडियन सेना। बायोलॉजिकल सोर्स इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीफलेट्स ऑफ कैसी अगस्ती फोलिया, इसका हम लोग का ड्राई लीफलेट है, ये पूरी की पूरी सूखी पत्तियाँ हैं। कैसी अगस्ती फोलिया, कैसी फैमिली है लेगिमिनोसी। इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं, कलर में है येल्लोइश ग्रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं येल्लो भी है थोड़ा ग्रीन भी है, येल्लोइश ग्रीन का कलर है। ऑर्डर है स्लाइट, हल्का सा एक बूढ़ापन स्मेल आता है यहाँ पे। टेस्ट आपका म्यूसिलाजिनियस बीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक, म्यूसिलाजिनियस जैसा मैंने कहा था गाढ़ापन इसका टेस्ट होता है, बिटर होता है इसका टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक। शेप है इसका लैंकिलोट, एंटायर एपेक्सिव एक्यूटियल, स्पाइन एट द टॉप, स्पाइन एट द टॉप में इसका ऐसा है। साइज इसका देख सकते हैं 7 to 8 mm थिक एंड 25 to 60 mm लॉन्ग होता है इसका साइज, देखिए आपने। नेक्स्ट देखिए आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एक कंटेंट्स एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड, सेनोसाइड, ए बी सी डी, सेनिडिन, रेन, एमोडिन एंड एलो एमोडिन। देख सकते हैं एलोए जो है हमारे एलोवेरा से भी इसमें से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें भी उपलब्ध है। यूजेस है इसमें लैक्सेटिव, बहुत अच्छा लैक्सेटिव का काम करता है। इरिटेंट प्यूरीगेटिव, इरिटेंट प्यूरीगेटिव यानी कि लूजन स्टूल्स, हमारे जो एक्सक्रीशन को लूज करने में, जैसा मैंने बताया था लैक्सेटिव में। कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव रिलीफिंग ऑफ गैस, जब हम कुछ स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो हमें जब गैस फील होती है उससे उससे ये रिलीज होता है। केमिकल टेस्ट हो गया इसमें ब्राउन टेस्ट, जो टेस्ट इसमें केमिकली हम इसे टेस्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये था पूरी की पूरी लैक्सेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन, लैक्सेटिव का ये टॉपिक लेक्चर था, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। लैक्सेटिव का कुछ एग्जाम्पल भी देख लें, लैक्सेटिव इतना डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर के लिए ये बहुत सफिशियंट है। आप ये सब करके देखिए, नोट करते जाइए, इसे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नोट्स मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।